नमस्कार, मैं आलोक यादव फिर से एक बार आपका ICS हरदोई के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज नंबर सिस्टम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल में पढ़ना क्या है ये देखेंगे। पहले से पढ़ते आए हैं, जैसे एक नंबर लिख लिया 17 और इसको मुझे भाग देना है 9 से। तो भाग देने का तरीका ये होता था, 9 17 9 1 9 कितना बचा, ये होता है भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और ये होता है भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पे जो पढ़ाई होगी वो सब होगी शेषफल की। तो शेषफल, जैसे मैंने 17 लिखा था, 9 से भाग दिया तो यहाँ पे कितना है, 8। तो ऐसे ही अगर हम इसको 9 से 17 को डायरेक्टली भाग दें तो 9 1 9 कितना शेष बच जाएगा, 8। 8 शेष बचेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें दो तरीके से शेष बच जाता है। या तो एक ऐसा नंबर, जैसे ये 17 दिया, जस्ट इसके ऊपर टेबल पढ़ लें, जैसे 9 2 18 और यहाँ पे लिखा है 17, तो कितना कम पड़ रहा है, -1। रिमाइंडर ये भी है और रिमाइंडर ये भी, अगर टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो -1 और 8 दोनों सही हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो रिमाइंडर को कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं। अगर ये माइनस वाला लेना है तो करना क्या होगा, नीचे वाले हर से माइनस करके लिख देना है, 9 - 1 तब भी 8 आ जाएगा। जैसे एक नंबर लिया मैंने 34, भाग दिया इसको 5 से। अब इसमें या तो एक बार ज़्यादा पारा लगा दीजिए, 5 7 35 तब तो आएगा -1, और या फिर 5 6 30 तो यहाँ पे बच जाएगा 4। अब दोनों सही हैं बट माइनस में लिखते नहीं हैं, 4 ये है, और अगर इसको लेना है तो 5 में से 1 कम कर देते हैं भाई, तो ये भी कितना बन जाएगा, 4। ऐसे ही एक और 37, और डिवाइड करना है 9 से। तो 37 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 36 यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1। या फिर हम 9 5 45 तो कितना भाई, -8। माइनस में लिखा नहीं रहा था तो करना क्या होगा, 9 - 8 तब भी 1 बन जाएगा। तो एक चीज़ समझ आई होगी, रिमाइंडर निकालते समय दोनों तरीकों को यूज़ कर सकते हैं, जो मुझे नज़दीक मिले उसको लेना ज़्यादा उचित है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखेंगे कि कहीं माइनस से ज़्यादा सुविधा रहेगी तो कहीं प्लस से। तो इसी हिसाब से कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं और रिमाइंडर निकालना है तो उसमें अगर माइनस नज़दीक मिल रहा है तो माइनस को प्रेफर कर लेंगे, और यदि अगर प्लस नज़दीक मिल रहा है तो प्लस को प्रेफर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा, 9 की पावर 35 * 7 की पावर 36 बटे, अब भाग देना है इसको 8 से। तो देखो मुझे निकालना है रिमाइंडर, तो क्या करना है, 8 का पहाड़ा 9 में पढ़े, अगर इसको इंडिविजुअल ऐसे लिख लें ये, तो 8 1 8 यहाँ पे क्या आया, 1, और 1 की पावर कितनी लगी है, 35, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 7, ये जो लिखा है 8, और 7 में भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, -1 जाएगा, -1 की पावर कितनी होती है, 36। लेकिन इसको थोड़ा अभी एक स्टेप रुक जाइए,
एक प्लस का क्वेश्चन कर लो। देखो 9 की पावर 15 प्लस 9 × 12 × 36 बटे 8। इसको थोड़ा एक मिनट रुक के अभी कर लो, स्टेप थोड़ा मुश्किल पे पहुंच गया। 9 को 8 से भाग देना, तो 9 को 8 से भाग देंगे, 8 × 8 तो यहाँ पे देखो प्लस 1 ज़्यादा चल गया। फिर 8 × 2 = 16 माइनस का 4, 8 × 8 तो प्लस का 4, बराबर दूरी पे है, कोई दिक्कत नहीं। 8 × 32 प्लस का 4 बच रहा है, और इसको यदि अगर 8 × 5 = 40 करें तो माइनस का कितना बनेगा 4, तो 8 × 32 करेंगे तो यहाँ कितना आया 4। जो साइन ये लगा होगा उसी के गुणा कर लेंगे, 4 × 16। लेकिन एक बात बताएं, जैसे ये 16 आ गया और 8, कभी भी क्या इससे बड़ा शेषफल आ सकता है? नहीं, इसको दोबारा काट देगा, तो 16 को 8 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो इसको इस तरीके से करेंगे, गुणा का एक प्लस का करते हैं। जैसे नंबर लिखा है 72 प्लस 63 प्लस 54, और भाग देना है इसको 11 से, और पूछा गया है रिमाइंडर क्या हो, तो करेंगे क्या? देखो 11 से भाग दे, इसमें 6 टाइम जाएगा 11 × 6 = 66, तो रिमाइंडर प्लस का बचेगा, और अगर 11 × 7 = 77 करें तो माइनस का बचेगा 5, और इसको जब भाग देंगे 11 × 6 = 66 और 11 × 5 = 55, नज़दीक कौन पड़ रहा है, 11 × 6 = 66, तो ये फिर माइनस का कितना आ जाएगा 66, और यहाँ पे है कितना 63, तो 3। इसको भाग देते हैं 11 × 5 = 55, तो ये हो जाएगा भाई माइनस। अब देखो −5 −3 −8 और −1 कितना बन गया माइनस। मैंने बताया कभी भी रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखना है, तो करेंगे क्या, 11 में से 9 कम करें तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे लिख दीजिए, रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे साइन अगर मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का है तो प्लस कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब इसमें रिमाइंडर बताना। अब इनके गुणा करके अगर रिमाइंडर निकाला जाएगा तो ये बहुत बड़े आएंगे, मुझे पता है, तो ऐसा मुझे करना नहीं। एक चीज़ इसमें ये दिख रही है, जैसे लिखा है 1771, अगर 17 से भाग लगाना है तो मुझे ये पता है कि इसमें जो 1700 होगा वो तो पूरा पूरा 17 से कट ही जाएगा, बचेगा फिर कितना 71, और 71 को 17 से भाग दोगे तो 17 × 68, तो शेष कितना 3। 1765 जो है उसमें 1700 पूरा 17 से कट जाएगा, 65 के लिए 17 × 68, और या फिर 17 × 51 थोड़ा दूर पर रहा है, तो हमें करना है 17 × 68, और तो ये बन जाएगा क्या माइनस का 3। 84 की बात करें तो ये 17 × 85 कितना माइनस में, और 1700 पूरा कटेगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना जाएगा 1। अब देखो साइन किसका है, गुणे का है, 3 × 3 = 9 माइनस का 9, फिर माइनस के साथ गुणा हुई तो प्लस का 9 बन गया, और प्लस का 9 यही आपका आंसर हो गया, रिमाइंडर बन गया। तो आपको किसी भी रिमाइंडर के क्वेश्चन में ऐसा अगर दिया है तो उसमें जो साइन रहेगा उसको देखते हुए सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन देखो,
घात वाला क्वेश्चन जो पहले छोड़ा था, 2 की पावर 33 और बटे में लिखा है और पूछा गया है इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो भाई, जब कभी भी पावर थोड़ी ज़्यादा लगी हो, एक तरीका, हाँ ये बता देते हैं, एक डाउट रहता है लोगों को, ये जो 33 है, बहुत लोग ऐसा करते हैं जैसे 2 की पावर 33 है और इसको 4 से भाग देते, 4 8 32 और 1 बचता 2 की घात 1 लगा लेते, 9 से भाग देते, यानी 2 रिमाइंडर हो जाता है। ये यूनिट डिजिट की प्रोसेस, 4 से भाग दिया जाता है, लेकिन आप रिमाइंडर निकालते समय इस प्रोसेस को यूज ना करें। कहीं कहीं पे सही हो जाता है बट ये हर जगह पे सही नहीं है। देखो अब इसमें आएगा क्या, नीचे लिखा है 9 और मुझे अगर ऐसा कुछ मिल जाए, या तो ऊपर 10 बन जाए, 1 ज़्यादा, और या फिर बन जाए 8, 10 बन जाए या 8 बन जाए, उससे होगा क्या, +1 या फिर -1 की कंडीशन बन जाएगी। और किसी भी नंबर की घात में मुझे अगर गुणा करना पड़े, जैसे 1 है, 1 की पावर चाहे 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। तो मुझे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ये कुछ करना है कि कैसे भी यहाँ पे 1 बनाना है। तो देखो भाई, 9 और ये 2, जब 2 की आपस में गुणा करते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 तो उसमें मिलता है, 10 इसमें नहीं मिलेगा। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको करना क्या है, ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 3। अब देखो इस 33 में से 3 बाहर आ गया तो यहाँ कितना बच गया, बटे में कितना लिखा। अब 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 8, और 8 की पावर 11, 9 से भाग देना है भाई। तो 9 से जब 8 में भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर, -1, और -1 की पावर अगर 11 है, घात ये विषम है, और विषम है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर घात सम होती तो ये +1 बन जाता, तो यहाँ पे विषम है तो -1 आएगा। देखिए अब -1 बता दिए, टेक्निकली तो -1 सही होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाएगा, 9 -1 = 8, इसमें से माइनस करके लिख, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ये एक फिर से क्वेश्चन इसी तरीके से, देखिए 2 की पावर 33 को मैं कर देता हूँ 34, अब रिमाइंडर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। देखो 2 की पावर 34, या तो आप 8 बना लें या तो 10 बना लें, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये 34 है, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने किया था 2 की पावर 3 की पावर 11 कर दिया था, अब ये 34 बन गया और 34 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम इसको अलग कर कैसे पाएंगे, ये देखो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको थोड़ा ऐसे लिखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 लिख गया, अब आप जो रिमेन पार्ट है इसको लिख लीजिए 2 की पावर 33 और बटे में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गुणा में पावर जुड़ती है, वही बन गया। तो अब प्रोसेस 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 11 बटे में आ गया 9, ये 2 ऐसे ही रहने दो, 2 को 9 से भाग दो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जो बन गया 2 × 8 की पावर 11 / 9, तो यहाँ पे -1 आएगा, और -1 की पावर अगर करेंगे 11, और ये क्या है विषम, और विषम है तो फिर माइनस में ही आएगा, तो 2 × -1 / 9। अब देखो ये 2 × -1, माइनस के 2 को तो लिख सकते नहीं है, तो 9 - 2 आंसर कितना आएगा भाई, 7 रिमाइंडर आएगा। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं, थोड़ा सा ये बनाना है कि कैसे भी मैं गैप को 1 के गैप में लाना, या तो 1 ज़्यादा या तो फिर 1 कम, यही प्रोसेस। देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है 2 की पावर 110 और डिवाइड इसको करना है 9 से। अब इसको सॉल्व करें
तो क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक। तो 2 की पावर 110, 2 लिखा है, 9 नीचे है, तो एक चीज़ दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि मुझे 8 बनाना है, और 8 बनाने के लिए 2 की घात 3 करनी है, और 3 से ये भाग होगा नहीं, तो क्या करोगे, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। देखो 2 और 2 की पावर 2 इधर कर लो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2 की पावर 108, ये बटे में 9 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया। अब ये लिख लो 4, इसको लिख लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 36, 108 को 3 से भाग दे दिया, 36 बन गया। तो फिर ये बन जाएगा 8, और इसकी पावर कितनी बनेगी, 36। अब नीचे 9 है, 4 में तो जाएगा नहीं, 4 ऐसे ही रहना है, 9 से 8 में भाग लगाएंगे -1, और -1 की पावर अगर 36, इस बार पावर सम है भाई, और अगर पावर सम है तो -1 ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस का 1 और 4 की गुणा करोगे तो 4 × 1 का मतलब क्या हुआ, 4, और यही आपका होगा रिमाइंडर। एक और क्वेश्चन, थोड़ा इसको जो तोड़ना होता है इसी में गड़बड़ होता है, तो आप इसको ध्यान से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं 2 की पावर 99/10, 2 की पावर 99/10, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो 2 की पावर 99 अभी तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हम इसको 8 बना सकते हैं, यहाँ 10 है, गैप हो जाएगा 2। तो आप थोड़ा पहले इसको सॉल्व करें, देखो 2 की पावर 2 एक तरफ कर लें, और इधर बचेगा 2 की पावर 97, नीचे आया 10, ठीक। तो 2 की पावर 2 इधर कर लिया है, एक और काम चल सकता है, 2 से नहीं, अगर इसको 1 में ही तोड़ लो तो और अच्छा रहेगा। देखो अगर 2 की पावर 1 इधर कर लें और 2 की पावर 98 यहाँ कर लें, बटन में 10, अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये कट गया 5। अब 5 बन गया तो यहाँ मैं 4 बना पाऊँगा, बाकी तो कोई जुगाड़ था नहीं, या तो पहले 10 था, वहाँ 11 बनाना था, 9 बनाना था, वो तो कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन ये कंडीशन अब बन जाएगी। देखो इसको कर लेते हैं 2 की पावर 2 अलग कर लो ये, और उसकी पावर 49, बटे में कितना आ जाएगा, तो भाई ये 4 है, ये 5 है, अब क्या बन जाएगा, -1, और इसको जब 49 पावर करोगे तो क्या आना है, -1 की पावर विषम है, तो किस में आएगा, माइनस, और माइनस लिखा नहीं जाता, तो 5 में से 1 जाएगा कितना, 4। एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी ऊपर से इसको इधर काटा जाए तो जितने से काटा जाता है जो लास्ट में आए उससे उसको गुणा कर लेना, तो ये हो गया 8 रिमाइंडर। ये कुछ एक बार फिर से देख लें, 2 की पावर 99, 10 था, तो या तो मुझे यहाँ पे क्या 11 बनता या 9 बनता, ऐसा कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको थोड़ा तोड़ दिया मैंने, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 98, 2 की पावर 1 से 10 को काट दिए 5 बार हो। अब 5 से 1 कम 4 यहाँ बन सकता है, तो 2 की पावर 2 4, और इधर हो गया 49। 5 से भाग लगाएंगे 4 में तो माइनस का 1 रहेगा, और -1 की पावर अगर 49 है तो विषम, और विषम तो माइनस में आएगा, 5 में से 1 गया 4, और 2 से यहाँ पे काटा था उस 2 की यहाँ पे गुणा कर, हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, 7 की पावर 512 और बटे 400, रिमाइंडर बताना। तो देखो अब ये थोड़ा बड़ा सा नंबर लग रहा है, पावर भी बड़ी लग रही है, अब 400
या तो 401, 401 या फिर 399, ऐसा कुछ सोचना इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाता है उसका क्वेश्चन कुछ जुगाड़ जरूर होता है। वो क्या होता है, जैसे अगर इस 7 को स्क्वायर में लिखें ये तो 49 होता है, और अगर इसका स्क्वायर देखा जाए तो 2401 होता है ये, और ये 400 है। 2401 को 400 से भाग देंगे तो 2400 तो पूरा कट जाएगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक। तो यही इसमें प्रोसेस दी गई। देखो क्या करना है, इसको लिखेंगे 7 की पावर 4 और 512 को 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 128 और नीचे रहेगा 400। अब देखो ये बन गया 2401 और नीचे 400 और पावर 128 दी है। 400 से भाग देंगे 2401 में तो 4 × 2400 बचा कितना, एक, और 1 की पावर 128 है तो वही रहेगा एक। यही है आपका रिमाइंडर, इसको ऐसे सॉल्व। तो आपको तोड़ने के बारे में सोचना है कि कैसे हम इसको एक कम या एक ज़्यादा बना लें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे फार्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया एक्स की पावर एन इस टर्म में दिया जाए प्लस ए की पावर एन, ये ऐसे दिया है, और अगर ये एन विषम है, क्या है, विषम, विषम है तो नंबर जो होगा वो एक्स प्लस ए से डिवाइड हो जाएगा। अगर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो ये पावर अगर है यहाँ पे विषम तो ये डिवाइड होगा ओनली एक्स माइनस ए से। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, ये तो इस घात को अगर कर दिया गया सम तो ये डिवाइड होगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यानी दोनों से, इस तरीके से। और अगर x की पावर n और प्लस a की पावर n, ये, और ये हुई सम, तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये देखो, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर, इसको कर लीजिए आप 82। ये अब ये हो गया, तो इसमें से एक ऑप्शन दे रहे हैं 10, 26, 5 और 7, ए है 10, बी है 26 और सी है 5 और डी है 7। तो इसमें बताना है कि ये किससे विभाजित नहीं होगा, क्वेश्चन आपका ये। तो देखो 3 पावर इधर विषम है और इधर सम, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्योंकि विषम सम, विषम सम के लिए फार्मूला नहीं है, विषम हो या फिर सम हो, तो ऐसे ही रखना है इसको, इधर वाला हटा देते। देखो 3 की पावर 41 ऐसे ही रखना है, और इसको लिख लेना है 7 की पावर 2 की पावर 41। अब ये 3 की पावर 41 ये भी विषम, ये भी विषम, ये बन जाएगा कितना 49, 3 और प्लस 49, तो ये बन जाएगा आपका 49 और 3 52। तो 52 ये किससे कट जाएगा भाई, 26 डिवाइड करें। ऐसे ही एक माइनस वाला देखते हैं, तेईस की पावर 10 लिख लीजिए इधर माइनस 10 को 24। ये अब देखना है, ये इसके ऑप्शन लिख लीजिए 5, 4, 3, 7। देखो माइनस साइन लगा, इधर घास सम है, इधर नंबर दिया 10 को 24। तो ऐसा कुछ आप करिए कि
यहाँ पे भी एक पावर सम वाला बन जाए तो मैं इसमें फार्मूला लगा पाऊँ। तो देखो 1024 कुछ सुना सुना लग रहा होगा आपको, ये स्क्वायर किसका होता है? 32 का। अगर 2 की पावर 5 देखें कितना होता है? 32। और 2 की पावर 10 को देखें तो कितना होता है? 1024। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब एक चीज देखो भाई, 23 2, ये भी सम, ये भी सम, किससे कटेगा? a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से। इसका मतलब 23 और 2 25 है, 23 माइनस 2 21। अब देखो 25 से कटेगा, वो 5 से भी कटेगा, 21 से कटेगा वो 3 से कटेगा, और 7 से कटेगा, 21 से जो कटेगा वो 7 से भी कटेगा। तो सिर्फ इसमें 4 ही ऐसा है जिससे नहीं कटेगा, ऑप्शन में ये दिया था किससे नहीं कटेगा, तीनों से कटेगा बट इससे नहीं कटेगा। ये था क्वेश्चन इसका। तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में लगभग ये जितने क्वेश्चन बताए हैं तो इस पर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। उसके बाद में अभी जो बचा हुआ है प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, उनको बाद में अभी और करवाएंगे एक्सरसाइज के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।